स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ, मठ में भजन कीर्तन, ठाकुर घर के बीच में श्री रामकृष्ण का बिस्तर, धरती पर चटाई, गद्दी, चादर और उस पर तकिया लगा था। श्री रामकृष्ण का चित्र उस पर रखा था। बिस्तर के पायताने में श्री रामकृष्ण की अस्थि का ताम्र कलश और उनकी पादुका एक चौकी पर रखी थी। पूजा के पात्र के सामने बैठकर शशि महाराज नित्य पूजा आदि करते थे। शशि महाराज के द्वारा संध्या में आरती करना एक अपूर्व कार्य था जो देखने लायक था। जब वे धूप दूना खोलकर ताल वाद्य यंत्रों के साथ आरती के अंतिम चरण में चारम डुलाते डुलाते भाव में उन्मुक्त होकर जय गुरुदेव श्री गुरुदेव कहकर भीषण हुंकार करते हुए ताल ताल पर उद्धाम नृत्य एक दूसरे की ओर दूसरी ओर नाच नाच कर घूमते फिरते, तब सबके भीतर जिस अपूर्व भक्ति भाव का संचार होता उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा लगता मानो पूरा मकान कांप रहा है। दर्शक गण श्री राम कृष्ण के भंडार घर से उनके साथ स्वर मिलाकर जय गुरुदेव श्री गुरुदेव का उच्चारण करते करते आवेग में नृत्य करने लगते। मठ के गुरु भाई अपने आप को भूत तथा दानव कहते थे, क्योंकि भूत दानव शिव जी के अनुयायी हैं और जिस कमरे में सब एक साथ बैठे थे उसे दानवरों का कमरा कहते थे। जो लोग एकांत में ध्यान धारणा और पाई आदि करते थे वे लोग दक्षिणी दिशा के कमरे में रहते थे। काली द्वारा बंद करके अधिकतर उसी कमरे में रहते थे, इसलिए मठ के गुरु भाई उस कमरे को काली तपस्वी का कमरा कहते थे। काली तपस्वी के कमरे में उत्तर में पूजा घर था। उसके उत्तर में जो कमरा था उसमें नैवेद्य रखा जाता था। उसी कमरे में खड़े होकर लोग आरती देखते और वहीं से भगवान श्री रामकृष्ण को प्रणाम करते थे। नैवेद्य वाले कमरे में उत्तर में दानवरों का कमरा था। इसके उत्तर की तरफ एक और छोटा सा कमरा था, वह पानघर पुकारा जाता था। यहाँ भक्तगण भोजन करते थे। दानवरों के कमरे में पूर्व कोने में दालान था। उत्सव होने पर भोजन आदि की व्यवस्था इसी कमरे में की जाती थी। दालान के ठीक उत्तर तरु रसोई घर था।